ये सीडल होती है। अच्छा, ये खुरपी आएगी वो सीडल होगी। अच्छा, जिसमें ब्लेड आएगा वो जीरो ड्रिल। अच्छा, ये सेंट्रल व्हील है। इस मशीन का फायदा ये होता है, एक बुआई करते हुए कि कई जगह ये होता है कि मोड़ों पे कहीं कम बीज गिरता है और कहीं ज्यादा गिरता है, तो पैदावार में वो फर्क आता है, कोई किसान का दाना बर्बाद नहीं होता है। अच्छा, और ये सबसे पुराना और सबसे अच्छा मॉडल है ये। अच्छा, आप इसमें मटर भी बीज सकते हैं। अच्छा, और गेहूं भी बीज सकते हैं और लाइव भी बीज सकते हैं, मतलब तीन फसलें ये बीज देगी हमारी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको नामधारी इंडस्ट्रीज की जीरो ड्रिल और सीड ड्रिल दोनों दिखाने वाला हूं। मेरे साथ कंपनी से भैया जुड़े हुए, जिसके बारे में बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। भैया जी कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया जी, आप सुनाएं। तो भैया, हमारे किसान भाइयों को जैसा मैंने वीडियो में बोला, जीरो ड्रिल और सीड ड्रिल दोनों आप दिखाओगे ना? दोनों दिखाएंगे सर। अच्छा, हमारे क्षेत्र में जो सी है वो सीड ड्रिल ज्यादा चलती है। अच्छा, तो आपको पहले हम सीड ड्रिल दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई किसान डिमांड करेगा जीरो ड्रिल की, तो जीरो ड्रिल भी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दर्शकों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया के बारे में। भैया कंपनी के मालिक है, और सबसे अच्छी खास बात मुझे इनकी ये लगी, ये खुद ही बनाते हैं, मतलब जो कंपनी के वर्कर उनके साथ खुद काम करते हैं, इसीलिए इनका जो माल है बहुत एक नंबर होने वाला है। क्वालिटी आपको हमने दिखाई, हैरो की वीडियो आपने देखी होगी। बाकी जो सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ये जो सीड ड्रिल है ये गदर प्रूफ सीड ड्रिल होने वाली है, क्वालिटी नंबर एक होने वाली है। तो भैया जी मुझे एक बात बताओ, आप खुद काम क्यों करते हो फैक्ट्री में? काम सर इसलिए करते हैं कि एक तो हमारा जो क्वालिटी है, अच्छा, जो हमारे पिताजी ने पिछले 55-60 वर्षों में बनाई है, अच्छा, उसे मेंटेन करे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम फैक्ट्री में खुद ध्यान नहीं देंगे, अच्छा, तो हमारी क्वालिटी लेवल गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि हम जो ये नामधारी इंडस्ट्रीज का नाम चल रहा है, इसे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बताइए, इसे हम आगे लेके जा रहे हैं, लगातार प्रयास चल रहे हैं इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ आपके भाई भी काम करते हैं? हाँ जी। क्या नाम भैया का? मेरा नाम मनिंदर सिंह है, भाई का नाम तेजेंद्र सिंह है। अच्छा, दोनों ब्रदर हैं। अच्छा, और ये फर्म हम इस समय हैंडल कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आज आप हमारे जो पाल ट्रैक्टर पे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है सर, आपके चैनल के माध्यम से हमें कई किसान हमसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। कई कॉल्स आती हैं, कई किसान ऐसे भी हैं जिनके हम कॉल नहीं अटेंड कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे भी हम क्षमा चाहते हैं साहब, थोड़ा समय का अभाव रहता है। समय सर ये होता है कि अब जैसे वर्किंग आवर होते हैं, तो लेबर है उसके साथ काम कर रहे होते हैं, तो जितना हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक किसानों को हम रिप्लाई कर सकें। अच्छा, मगर ये भी होता है कि सर कुछ जैसे सीएम का टाइम होता है, तो उस समय समय की बहुत किल्लत हो जाती है। आपकी, तो इस समय बिल्कुल आपकी आंखें देख के ये लग रहा है कि 15-20 दिन से आपकी नींद पूरी नहीं हुई है भैया। हाँ सर, थोड़ा सा है, अभी इस समय सीएम का दबाव चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस समय जुताई और बुआई दोनों किसानों के लिए इकट्ठी है। अच्छा, तो आप बात करेंगे, लोड ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बात करेंगे, ये जीरो ड्रिल है या सीड ड्रिल है? ये सर की सीड ड्रिल है। अच्छा, सीड ड्रिल है। हाँ जी। तो इसमें नीचे देखिए खुरपी आ गई है। अच्छा, ये सीड ड्रिल होती है। अच्छा, ये खुरपी आएगी वो सीड ड्रिल होगी। अच्छा, इसमें टिप ब्लेड आएगा वो जीरो ड्रिल। अच्छा, तो हमारे क्षेत्र में जो डिमांड ज्यादा होती है वो सीड ड्रिल की होती है। अच्छा, हाँ जी, कई क्षेत्रों में जीरो ड्रिल भी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया इसके कितने मॉडल आते हैं अपने यहाँ पे? यहाँ पे भैया हम तीन मॉडल बनाते हैं, 9, 11 और 13। अच्छा, सप्लाई पूरे इंडिया में होती है? सप्लाई सर जहाँ किसान हमें फोन करता है, यहाँ से लगभग 300-400 किलोमीटर तक हम सप्लाई करते हैं। बिल्कुल। बाकी जो दूर का किसान है उसे थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन फिर ज्यादा पड़ जाती है, तो फिर कॉस्ट के हिसाब से वो फिर नहीं अगर मतलब किसान भाई ऐसे 4-5 किसान भाई अगर मशीन मिलवाना चाहते हैं 2-3 तो आ सकती है ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीन जैसे अब हम आगे माल भेजते हैं एमपी, हमारा डबरा ग्वालियर जोनसा है मध्य प्रदेश में, वहाँ माल जाता है, वहाँ 3-3, 4-4 किसान मिलके थ्रेशर जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो वो आ जाते हैं यहाँ पे तीन किसान मिलके, तो उन्हें भाड़ा भी कुछ जायज पड़ जाता है तीन जनों को। बिल्कुल। और मटेरियल जो सा है वो उनकी आवश्यकता अनुसार और हमारी। अच्छा, बड़ी अच्छी क्वालिटी। बिल्कुल। अच्छा, इसका जो टॉप है, टॉप अपने रूटावेटर वाला लगाया क्या बात है? ये सर लेजर कटिंग से टॉप बना हुआ है इसका, रूटावेटर मॉडल में, ये नए मॉडल में पकड़ है। अच्छा, हाँ जी। ये तीन पहियों की मशीन है सर। अच्छा, ये सेंट्रल व्हील है। इस मशीन का फायदा ये होता है, एक तो ये मशीन जमीन में जब आप बुआई कर रहे होते हैं, बिल्कुल, तो ये बराबर दोनों तरफ चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए इसमें साइडों में जो ये लाइन व्हील दिए हुए हैं, इससे किसान एडजस्टिंग कर सकता है कि उसने कितनी गहरी जुताई करनी है, बुआई करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सेंटर व्हील इसलिए होता है कि ये जैसे आप कोनों में देखते होंगे कि बुआई करते हुए कि कई जगह ये होता है कि मोड़ों पे कहीं कम बीज गिरता है और कहीं ज्यादा गिरता है, तो पैदावार में वो फर्क आता है। अच्छा, अगर सेंट्रल व्हील की किसान ले रहा है सीड ड्रिल, तो उसमें ये कमी भी नहीं आएगी कि इसके चक्कर हर जगह बराबर आएंगे। अच्छा, हाँ जी। बाकी ये सब्सिडी में पास होने वाली है? हाँ जी, सब्सिडी में अप्रूव्ड है सर ये। लेजर कटिंग मिलने वाली है? लेजर कटिंग के साथ मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा भैया, इन्हें क्या बोलते हैं? ये सर गरारी है, ये खाद के लिए इस्तेमाल करी जाती है। अच्छा, हाँ जी।
किसान का कोई भी दाना बर्बाद नहीं होगा, कोई किसान का दाना बर्बाद नहीं होता है। अच्छा, और ये सबसे पुराना और सबसे अच्छा मॉडल है ये। अच्छा, आजकल नए मॉडल में जैसे सुपर सीडर में आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ पिस्तौल आ रहे हैं, तो कुछ वो भी हमने बनाई थी मगर उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ पाया। अच्छा, क्योंकि किसान कुछ उसकी देख रेख ज्यादा है सर। अच्छा, मेंटेनेंस ज्यादा है। मेंटेनेंस इसलिए ज्यादा है कि उसकी साफ सफाइयां बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वो जाम वगैरह हो जाती है। अच्छा, मगर ये रफ एंड टफ चीज है। अच्छा, ये किसान अगर एक बार ले लेता है तो 7-8 साल आराम करता है। इससे क्या होता है भैया? ये भैया खाद के लिए होता है, जैसे आपने कितनी खाद एक एकड़ में डालनी है। अच्छा जी, ये एक टक जोन सा है, ये 12 किलो का होता है, एक कट्टा 4 नंबर पे पूरा डाल देगी एक एकड़ में। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी भैया ये जो लगा हुआ है इसमें यहाँ गेहूँ पड़ेगा? हाँ जी, इसमें क्या पड़ेगा? इसमें इसमें बीज डलेगा भैया। अच्छा, बीज पड़ेगा। आप इसे, इसमें हमारी मशीन में खासियत ये है कि आप इसमें मटर भी बीज सकते हैं। अच्छा, और गेहूँ भी बीज सकते हैं, और लाइव भी बीज सकते हैं। मतलब तीन फसलें ये बीज देगी हमारी मशीन। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, बाकी इसमें जो पाइप वगैरह लगे, दाना वगैरह अटकता तो नहीं है भैया इसमें? नहीं नहीं अटकता भैया, देखो बिल्कुल सीधा दाना जाएगा। आप चाहे दिन में चलाए किसान, चाहे रात में चलाए, हमारी मशीन कहीं भी बंद होने वाली नहीं है। अच्छा, बाकी इसमें भैया स्प्रिंग लगाए हैं आपने, स्प्रिंग का क्या फायदा होने वाला है? ये भैया पोरने के लिए होता है, जैसे अब आपने जो बुआई कर दी। अच्छा, बुआई के बाद मिट्टी को फैला देते हैं पीछे से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, इसमें ये सिस्टम दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट वाला सिस्टम है? ये सर एडजस्टमेंट वाला सिस्टम है, इसलिए दिया होता है कि कोई किसान, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इंचों पे बुआई होती है, जैसे हमारे यहाँ लगभग 8 इंची पे भी बुआई होती है। अच्छा, कई जगह 9 इंच पे बुआई होती है, तो अपने हिसाब से किसान एडजस्टिंग कर लेता है उसको। बिल्कुल। अच्छा भैया, ये जो सिस्टम होता है ये सुपर सीडर में लगा हुआ होता है? ये सर नए मॉडल में अब हमने लॉन्च कराया है, ये सुपर सीडर वाला ही, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये सुपर सीडर का ही है। बिल्कुल, इसमें ये नंबर लिखे हुए हैं, ये देखिए ऊपर से। अच्छा, किसान जितना बीज डालना चाहता है ये नंबर के माध्यम से डाल सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, इसमें मतलब आप ये एक्यूरेसी है कि अगर आपने 40 किलो डालना है तो 40 किलो में ये बंदी रहेगी। अच्छा, अपनी जगह से हिलेगी नहीं, मतलब किसान का दाना बर्बाद नहीं होगा? बर्बाद बिल्कुल नहीं होगा, जितना किसान चाहता है वो उतना ही किसान की ये मशीन उसके खेत में डालेगी। अच्छा, फिर भी हम किसान को ये कहते हैं, हमारा सजेशन जो सा होता है कि अगर किसान कोई भी किसी से भी सीडल खरीद रहा है तो पहले जो सी 1 एकड़ जमीन, जो नपी तुली जमीन होती है, उसमें अपनी बुआई करे। उससे आदमी को पूरा अंदाजा हो जाता है कि मेरी इस नंबर पे इतना माल डाल रही है। अच्छा, ये कौन सा मॉडल है भैया? ये भी सेम मॉडल है सर, हमारे पास ये 11 के मॉडल खड़े हैं, इधर 13 आ गया। अच्छा, हाँ जी, ये सीडल है, जीरो ड्रिल है? ये सब सीडल खड़ा है सर यहाँ। अच्छा, हाँ जी, जीरो ड्रिल भी अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, वो जैसे किसान की डिमांड होती है कि हाँ भाई जीरो ड्रिल चाहिए तो जीरो ड्रिल मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने वीडियो में बोल दिया ना कि जीरो ड्रिल भी आपको दिखाएंगे। हाँ हाँ, तो वो भी मतलब किसान वो भी मिल जाएगी सर। अच्छा जी, किसान जैसे अब किसान के ऑर्डर के हिसाब से ही माल हमारी फर्म में तैयार होता है। बिल्कुल, अभी जो किसान का ऑर्डर था, जैसे किसानों के ऑर्डर हमारे पास पहले ही बुक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये उस हिसाब से माल तैयार हुआ है अभी। बिल्कुल, कोई किसान जीरो ड्रिल का ऑर्डर देगा तो जीरो ड्रिल भी तैयार हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, ये सब तीनों सेम मॉडल है? ये तीन सेम मॉडल है सर, ये तीनों 11 की है। अच्छा सर, ये 13 की आ गया, 13 वाला मॉडल है। अच्छा, 13 में इनमें अंतर कितना होने वाला है कीमत भैया? ये लगभग भैया जी 4,500-4,500 का अंतर होता है। अच्छा, वैसे इनमें वजन का कितना अंतर है, वजन कितना है? वजन में सर ये जो है 3.5 क्विंटल से ऊपर आ जाती है। अच्छा, हाँ जी, और ये 3 क्विंटल 30 किलो। अच्छा, इनके लिए नॉर्मल ट्रैक्टर कितने एचपी का चाहिए भैया? सर सीडल में नॉर्मल जो ट्रैक्टर है वो 11 के लिए, तो आप कोई भी ट्रैक्टर ले सकते हैं। अच्छा, 40 हॉर्स पावर से ऊपर का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जो 13 की मशीन आ जाती है इसमें भी 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इसके डिब्बों में जब आप खाद या बीज डालते हैं तो उसका वजन इतना हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, उसके हिसाब से बड़ा ट्रैक्टर चाहिए। बिल्कुल भैया, मुझे एक बात और बताओ, जैसे आजकल आपको पता है मिनी ट्रैक्टर बहुत चल रहा है भारत के अंदर। हाँ जी हाँ जी, तो अपने मिनी ट्रैक्टर के लिए सीडल तैयार हो जाएगी भैया? हाँ जी, कोई किसान हमें ऑर्डर देगा तो सर मिनी भी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो किसान भाइयों, बाकी इनके यहाँ पे कृषि के सभी उपकरण मिल जाएंगे, और सभी एक से एक जबरदस्त क्वालिटी के साथ होने वाले हैं। क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, और जो मेरे किसान भाई आस पास से देख रहे हैं तुरंत कंपनी में आ सकते हैं, ठीक है, अपने फीडबैक के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी सर, कोई भी किसान अगर अपना कोई रखना चाहता है कि मुझे किस तरीके की तब्दीली चाहिए। अच्छा, सीडल में या हैरो में हर तरीके का यंत्र बनता है हमारे यहाँ, कल्टीवेटर। इस समय जैसे अब आप जुताई हो रही है तो इसमें प्लाव बहुत चलता है। अच्छा, प्लाव भी है? ये सर प्लाव खड़े हैं अपने। अच्छा, प्लाव की रेंज है? हाँ जी, ये प्लाव खड़ा है सर। बिल्कुल, इसकी डिमांड बहुत होती है। अच्छा, कितने का होने वाला है ये? ये सर इस समय 22,000 प्लस GST है। अच्छा जी, हाँ जी, बाकी टैंक भी मिल जाएगा? हाँ जी, सेपरेट टैंक। जितना भी किसान को अपनी
खेती के लिए जितने यंत्र चाहिए होते हैं, टैंक हो गया, लेजर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, रूटावेटर हो गया, हर चीज उपलब्ध मिलेगी और अधिकतर चीजों में सब्सिडी भी अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की तरफ। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, या नंबर पर संपर्क करें। कॉल करने का समय है, कितना होने वाला है? सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक कभी भी किसान कॉल करें। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाइयों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, नमस्कार।